हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम के बारे में, जिसको पैनक्रियाटाइटिस बोला जाता है। ये पैनक्रियाज क्या चीज़ है और ये क्यों बिगड़ता है, इसके सिम्टम क्या है और इसे हम कैसे बच सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। हमारा जो डाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें 70-80% जो एक्शन होता है वो पैनक्रियाज का होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज से कई डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं, जो हमारे खाने को काटते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये आगे जाके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है। अब पैनक्रियाज में प्रॉब्लम क्या आती है? पैनक्रियाज में जो मेन बीमारी है उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है? इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल। जो व्यक्ति कई साल तक लगातार काफ़ी शराब पिए तो उसके पैनक्रियाज में डैमेज हो जाता है। अल्कोहल जाके पैनक्रियाज में सेल डैमेज करता है, जिसके कारण फिर पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। और कारण होते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर आता है, पित्त की थैली में पथरी आती है, वो एक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर के आगे, जो एक नलकी निकलती है उसमें जाके फंस जाती है, वो पैनक्रियाज पे ब्लॉकेज देता है। और कारण होता है, पैनक्रियाज में ट्यूमर आया, कैंसर टाइप गांठ आई, या कभी कोई बाय चांस आपने ऐसी दवाई खाई, कोई मेडिसिन खाया जिसने पैनक्रियाज पे अटैक दे दिया, या कई बार किसी का लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ जाए। लेकिन एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 10-15% लोगों में कई बार हमें कारण मिलता भी नहीं कि पैनक्रियाटाइटिस क्यों हुआ। इसमें कुछ कारण जेनेटिक होते हैं, मतलब आपके जीन में ऐसा कोई सेल आया है जो पैनक्रियाज को बार बार ख़राब कर रहा है। अब यदि पैनक्रियाटाइटिस होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण होते हैं सीवियर पेन एब्डोमेन, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द हुआ और बढ़ता जाता है, और आप कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो पेन आपका कम नहीं होता। और इस पेट दर्द के साथ बार बार उल्टियाँ आती हैं। ये पेट दर्द कई बार कमर में भी जाता है, पीछे पीठ की तरफ जाता है, और अनरिलेंटिंग पेन बोलते हैं इसको। ऐसा पेन होने पे आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और इमिजिएटली इमरजेंसी में या किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो आपका बेसिक सा टेस्ट करेंगे, जिसको पैनक्रियाटिक लाइपेज और एमाइलेज ब्लड टेस्ट बोलते हैं। एक नॉर्मल सा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ये क्लियर होगा कि क्या वाकई आपको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है। और इनकेस पैनक्रियाटाइटिस हुआ है तो फिर इमिजिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, और फर्दर ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर अपने अनुसार चलाते हैं। अब पैनक्रियाटाइटिस से बच कैसे सकते हैं? बचने के लिए बेस्ट और जो सटीक तरीका है वो ये है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, अल्कोहल अवॉइड करना है। अगर किसी को सिरोसिस हुआ है अल्कोहल से, उसको और भी रिस्क है। अगर किसी का लिवर डैमेज हुआ है अल्कोहल से, उसको और भी रिस्क है कि उसको ये पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, छोटा स्टोन है, या आपका बार बार पेन हो रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उसको निकलवाना चाहिए, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करानी चाहिए। और कभी कभी अगर ये गॉल ब्लैडर का स्टोन फंस के बाइल डक्ट में आता है, तो उसका ERCP करके एक टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी के द्वारा एक प्रोसीजर किया जाता है, जिसके ज़रिए गॉल ब्लैडर के जो बाइल डक्ट का स्टोन है उसको क्लियर किया जाता है और फर्दर इसका ट्रीटमेंट चलता है। कभी कभी ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अगर बार बार हो जाए तो क्रॉनिक में चला जाता है, जिसको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जिसमें पैनक्रियाज में पथरी बनती है, वो सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम पड़ते हैं, तो मरीज को अलग अलग सिम्टम आते हैं। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के सिम्टम क्या होते हैं? वज़न कम होना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, लैट्रिन में फैटी चीज़ें, ऑयल ड्रॉपलेट्स आना, वेट कम होना, ये सब सिम्टम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के होते हैं। इसके भी अपने टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह किया जाता है और उसको चेक किया जाता है, और उसमें फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, कुछ टेबलेट्स चला के उसको ठीक किया जा सकता है। सो माय फ्रेंड्स, आज मेरा मैसेज यही है कि अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रखिए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए, और कभी भी ऐसा पेन हो जो बिल्कुल भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाके नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और हम मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में, यदि आप अराउंड है तो आ सकते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।